मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सूबे भर में 1,41,00,000 लाभपात्रियों को फायदा पहुंचाने वाली स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत की। इस दे नाल ही एक वक्री स्कीम का ऐलान भी किया गया, जिस तहत कौमी खुराक सुरक्षा एक्ट हेठ कवर न होने वाले 9,00,000 लाभपात्रियों को सबसिडी उत्ते राशन मुहैया करवाया जाएगा, जिस लई फंड सूबा सरकार देगी। इस मौके मुख्यमंत्री ने दसिया कि सरकार के इस फैसले न सूबे में लाभपात्रियों की कुल गिनती 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएगी। स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम तहत 37,50,000 कार्ड योग लाभपात्रियों को इस महीने वंडे जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने लाभपात्रियों की गिनती की हद 1,41,00,000 तय कर दी थी, वार वार बेनती करने के बावजूद कौमी खुराक सुरक्षा कानून तहत कवर न होने वाले 9,00,000 योग लोगों को सबसिडी उत्ते राशन मुहैया करने नाल सहमति नहीं प्रगटाई गई थी। इस करके वांझे रह गए अजिहे सारे योग व्यक्तियों सूबा सरकार वालों फंड की गई इस स्कीम तहत लियाउण का फैसला किया गया, जिसके वेरवे छेती ही दसे जाएंगे। सूबे में 100 वख-वख थावां वर्चुअल ढंग नाल स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम नाल भ्रिष्टाचार नूं नत्थ पवेगी अते लाभपात्रियों नूं किसी भी डिपू तो राशन की खरीद करन दी खुल होवेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दे इस कदम नाल राशन डिपू होल्डरां वल्लों लाभपात्रियों का शोषण बंद होगा। स्मार्ट राशन कार्ड एक लाभपात्री नूं एक यह अधिकार दिंदा है कि वह अपने हिस्से की खुराक पंजाब भर में किसी भी राशन डिपू तो हासिल कर सकता है। शामिल हो तो सारों अच्छ बधाई हो प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम की मंग जैसे मैं पहला बहुत थी, लेकिन अब 1,41,00,000 लोगों के कार्ड मिल रहे हैं। ये जो कार्ड थे एक स्पेशल कार्ड, पहला कार्ड छोटे होंगे से राशन बंडन वाले कोई ना सी कोई किसी का दिंदा सी कोई कुछ कर दिंदा सी उसके लेना से भी कोई होती सी जिनका आदमी ने दसिया है तो। लेकिन हुण इस कार्ड नाल तुसी कितों भी लै सकदे, अपने पिंड दे राशन डेपो तो, नाल दे पिंड दे राशन डेपो तो, किसी होर शहर किसी होर जिले तुसी जा के अपने एक कार्ड नूं वरत सकते। सिर्फ थोड़े वास्ते होएगा और कुछ नहीं लै सकते। तो एक बड़ी मैं समझ गया ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲਾ ਪੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।